बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुबई टूरिस्ट वीज़ा बहुत से लोग पूछ रहे थे कि दुबई टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा कब ओपन हो रहा है, वर्क परमिट कब ओपन हो रहा है और फैमिली रेजिडेंट परमिट जो है वो कब ओपन हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कन्फर्म जो है इसकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं और आपके समय शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह ताला पहुँचती रहेंगी। दुबई जो है टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा और जो मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा भी शुरू करने जा रहा है 5 साल का, और उसके अलावा रेजिडेंट परमानेंट वीज़ा जो है ये जुलाई में इसको उन्होंने पूरी तैयारी, उनका कहना है कि हमने तैयारी कर ली है, जुलाई में हम टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, रेजिडेंट परमानेंट वीज़े को हम खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें वर्क वीज़ों का भी वो खोल देंगे कि जो लोग काम के लिए दुबई में आना चाहते हैं तो उनके काम के लिए इंशाल्लाह जुलाई में, उससे पहले जो अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई तो आपको बता देंगे। अगर अभी आपसे कोई पासपोर्ट मांगे कि हम आपको वीज़ा लगवा के देते हैं तो आपने किसी को नहीं देना। कोई आपको कहता है वर्क परमिट वीज़े आ गए हैं तो हम आप अभी कोई उन्होंने इशू नहीं किया, कोई इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अभी ये कहा जुलाई में शुरू करेंगे। जुलाई के बाद लोग आपके पासपोर्ट को पकड़ेंगे और आपको वीज़ों के लिए अप्लाई करेंगे जब वो कहेंगे। दोबारा उससे पहले किसी को पैसे नहीं देने, पासपोर्ट नहीं देनी, तस्वीरें नहीं देनी, कुछ नहीं देना ताकि आपके पैसे ना फंस जाएँ, आपके जो है मज़ीद आप परेशानी में ना पड़ जाएँ। उन्होंने ऐलान किया जुलाई में हम शुरू करेंगे। जब जुलाई आएगी, 1 जुलाई को उन्होंने कहा है, तो फिर आपने जाके ये ओपन होने के बाद आपने अपने जो लोगों के जो वीज़े आप देते हैं कि लग जाएँ, लगवा लें। तो बहरहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम।